सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। फिलिपियों का पत्र अध्याय 3:2, आप कुत्तों से सावधान रहें, दुष्ट कार्यकर्ताओं से सावधान रहें, अंग छेद करने वालों से सावधान रहें। मैंने बीती एक क्लास के अंदर इसके विषय में बताकर के दिया, जो गलत सुसमाचार सुनाते हैं, कलीसिया विरोधी कार्य करते हैं, अपना अपना गुट संस्थाएं बनाकर अपने मर्जी से जो बाइबल सिखाते हैं, ईसा मसीह ने जिस कलीसिया का स्थापना किया उस कलीसिया से हट करके उस कलीसिया का विरोधी बनकर जो कार्य करता है और कलीसिया को टुकड़ा टुकड़ा करने का जो प्रयत्न करने वाला, कुत्ते का जो स्वभाव वाला, इस विषय में मैंने जो सुसमाचार प्रचार कौन कर सकता है बोलकर के जो 4 क्लासें डाले हैं उसके अंदर बताया। उसमें अनेकों लोगों ने कमेंट कर करके सवाल करना किया कि क्या इसका मतलब कोई सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकता, मुझे पवित्र आत्मा मिला है और वो पवित्र आत्मा मुझे ये कार्य करा रहा है, मुझे किसी के जो अनुमति की जरूरत नहीं, और इस प्रकार का जो कुत्ता शब्द लेकर के मैंने जो सुसमाचार प्रचार करना चाहते हैं उनका विरोध किया है। ऐसा कर करके कई लोगों ने इस कुत्ता शब्द का बारे में टिप्पणियां लिखी, इसलिए मैं समझता हूँ एक बार और उसको बता कर के देना और समझाना उचित है। मैंने किसी को सुसमाचार प्रचार करने से मना नहीं करते हैं, मैं बोलूँगा, इसलिए उस क्लास के अंदर सबसे पहला जो दर्जा का सुसमाचार का प्रचार जो बपतिस्मा प्राप्त लोगों का है, सबसे पहला सुसमाचार प्रचार वही है, मैंने कहा। उसके लिए किसी की अनुमति भी लेने की जरूरत नहीं, जाकर के फादर से लेने का, बिशप से लेने का भी जरूरत नहीं। आप बपतिस्मा प्राप्त है, आप अपना जीवन का उदाहरण के द्वारा अन्य लोगों के बीच में एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन जीते हुए अपने जीवन का उदाहरण द्वारा सुसमाचार का प्रचार कीजिए। सब लोग बाइबल लेकर के बाइबल की व्याख्या करने के लिए नहीं बुलाया है, लेकिन अपना जीवन की उदाहरण देने के लिए सब लोगों को बुलाया गया है, देना चाहिए। यदि आपने बपतिस्मा ग्रहण किया, आप मसीह का गवाह बन गया है। दूसरी बात, यहां पर जो कुत्ते जो शब्द हम लोग जो इस्तेमाल कर रहा है, मैं अपने ओर से नहीं बल्कि बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर इस शब्द का प्रयोग किया है। यहां पर संत पौलुस क्यों लिखा है इसका विषय मैंने उसके अंदर ही बता कर दिया, क्यों संत पौलुस को इस शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा, कुत्ते का क्या स्वभाव है। वो पहले घर में रखने वाला एक जानवर नहीं था, घर में पालने वाला एक जानवर नहीं था, और उसका क्या स्वभाव है सब बताया था। ये
दूसरा एक और इसका अर्थ है, इसे पूर्व के क्लासों में मैंने उसके विषय में भी बताया था, जो बपतिस्मा प्राप्त नहीं है गैर क्रिस्त, जो लोग जो क्रिस्त विरोधी कार्य करने वाले लोग, क्रिस्त में विश्वास ना करने वाले लोग, उनके लिए भी नॉन जूस, उनके लिए हम लोग यहाँ इस्तेमाल किया वो शब्द उस समय के लिए जो नॉन जूस के लिए इस्तेमाल भी करता था। कारण ये है वो जो सत्य ईश्वर में विश्वास नहीं कर रहा है, सीधी सी बात, सत्य ईश्वर में नहीं अन्य अंधविश्वास के कामों में लगा हुआ है, इस कारण उनको उस कैटेगरी में डाला हुआ है। तो किसी को नीचे दिखाने के लिए या नीचे करने के लिए या मनोबल तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मैं बार बार इन क्लासों में बताया है, हमें सुसमाचार की घोषणा करना है क्रिस्त के साथ जुड़ करके, कलीसिया से जुड़ करके। यदि आप क्रिस्त का कार्य करना चाहते हैं, आपको क्रिस्त के शरीर अर्थात कलीसिया के साथ जुड़े रहना जरूरी है, यही बार बार बोल करके आ रहा हूं। एक उदाहरण आज जिसने ये लिखा, संत पौलुस ने लिखा है, संत पौलुस के जीवन को ही उदाहरण ले लेते हैं। संत पौलुस का जीवन हमको मालूम है, प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 9 को यदि हम लोग पढ़ेंगे वहां पर मिलेगा, संत पौलुस क्रिस्तियों पर अत्याचार करने वाले, क्रिस्तियों को मार डालने वाला व्यक्ति था। यदि प्रेरित चरित्र 8 को पढ़ेंगे उसके अंदर हम लोगों को, 7 को पढ़ेंगे उसके अंदर हम लोगों को मिलता है स्टेफानुस की हत्या कराने के पीछे संत पौलुस का कार्य था, और अध्याय 9 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं दमास्कस के जो लोगों को गिरफ्तार कर लेके आने के लिए ही वो जा रहे थे, दमिश्क में जाकर के वहां के लोगों को गिरफ्तार कर, क्रिश्चियन लोगों को गिरफ्तार कर बंदी गृह में बंद करने, उन्हें मार डलवाने का षड्यंत्र रचते हुए ये जा रहा था। रास्ते में दमिश्क पहुंचने के पहले पहले मसीह के साथ उनका मसीह का दर्शन उनको मिला है, वो कहानी हम लोग प्रेरित चरित्र अध्याय 9 में एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 9 के अंदर पढ़ते हैं। ईसा मसीह के साथ जब उनका मुलाकात हुआ, मसीह ने उसे दमिश्क की ओर भेजा है, और कहाँ रहना है, क्या करना है, ये सब बता कर रख दिया। वो अंधे हो गया था, 3 दिन के लिए वो अंधे बन गया है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं अननियस नाम का एक व्यक्ति के द्वारा ईसा मसीह ने पौलुस को बपतिस्मा देते हैं, और उनके जो अंधापन दूर होते हैं। इस प्रकार मसीह के साथ उनका वो भेंट, वो दर्शन उनके जीवन को बदलता हुआ। उसी समय पर हम उसी अध्याय के अंदर देखते हैं वो इसके बाद सबसे पहले दमिश्क के जो महासभा में जाकर के प्रभु का घोषणा करना शुरू किया। मसीह का जो अनुभव मिला, मसीह का दर्शन मिला, उनका मन परिवर्तन हुआ, उन्होंने वहां पर सुसमाचार का प्रचार करना शुरू किया। देखो, मसीहियों के विरोध करने वाले, क्रिस्तियों के खिलाफ चलने वाले व्यक्ति आज क्रिस्त के विषय में वही मुक्तिदाता, वही यीशु क्रिस्त है, वही मसीह है, ये बोल करके सिखाना शुरू किया। वहां के जो यहूदी लोग उसका विरोध करना शुरू किया, और क्रिस्तीय लोग वो उससे डरने भी लगे, इसलिए वो सीधा जरूसलेम जाते हैं। किस लिए जेरूसलेम गए? जेरूसलेम में पेत्रुस है, याकूब है, अन्य शिष्य लोग है, उनसे मुलाकात कर उनके साथ सम्मिलित होने के लिए गए। वहां पर जाकर के यरूशलेम के शिष्य लोग उनके विषय में सुनकर के वो भी डर गए, क्योंकि वो किस प्रकार कार्य कर रहा था सबों को मालूम था।
लेकिन वो हम लोग प्रेरित अध्याय 9 वाक्य 27 के अंदर पढ़ते हैं, एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 27 में, संत पौलुस उस समय पर बरनबास नाम का एक व्यक्ति को अपने साथ में लेकर के प्रेरितों के पास जाते हैं और बरनबास संत पौल के लिए सपोर्ट करते हैं और ये आज प्रभु का सेवक है, पुराना जीवन बदला है, ये सब बोल करके उनके लिए जो सपोर्टर के रूप में बरनबास को लेकर के। वाक्य 28 में हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद साउल यरूशलेम में प्रेरितों के साथ आता जाता रहा। इसका मतलब इस प्रकार संत पौलुस प्रेरितों के साथ जुड़कर के सेवा करना शुरू किया। संत पौलुस ने अपना दुकान खोल करके अलग नहीं किया। इसके बाद हम लोग आगे फिर से देख सकते हैं, संत पौलुस के लिए अलग मिशन दिया गैर यहूदियों के बीच में जाने के लिए सब, और संत पौलुस का बाइबल के अनुसार हम लोग देखते हैं प्रेरित चरित्र के अंदर अगर हम पढ़ते जाएंगे, 3 प्रेरिताई जो यात्रा है इन्होंने किया है, हर यात्रा के बाद वो वापस लौट करके आ रहा है, इसका मतलब यरूशलेम में रिपोर्ट देने के लिए। गिलातियों का पत्र अध्याय 1 के अंदर फिर से हम लोग पढ़ सकते हैं, वो यरूशलेम आए पेत्रुस से मिलने के लिए, पेत्रुस को पूरा रिपोर्ट देने के लिए। इसका मतलब संत पौलुस ने जितना भी प्रेरिति की कार्य किया है कलीसिया से जुड़ करके किया, उसका पूरा रिपोर्ट वहां पर होता था। प्रेरित अध्याय 15 के अंदर जो पहली महासभा यरूशलेम महासभा हुआ वहां पर भी हम लोग देखते हैं संत पौलुस था। तो इस प्रकार कलीसिया के साथ जुड़ना और जो कलीसिया ने उस महासभा में जो निर्णय किया संत पौलुस ने उसका स्वीकार किया और संत पौलुस को जो जो कलीसिया के द्वारा आदेश मिलता था उसके अनुसार वो करता गया। तो संत पौलुस हमारे सामने एक महान प्रेरित है जो मसीह का साक्षी बनकर के अपना प्राण तक अर्पित किया। हम में से कई लोग बोलते हैं मुझे पवित्र आत्मा मिला है, मुझे प्रभु ने दर्शन दिया या मुझे प्रभु ने ये कहा वो कहा, मैं उसका प्रचार करूं, मैं क्यों चर्च से जुड़ूं, मैं क्यों चर्च का अनुमति लूं, मुझे चर्च का अनुमति का क्या जरूरत है, मुझे तो ईश्वर की अनुमति मिला है, यीशु ने मुझसे बोला है, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला है। हमें सतर्क रहना है, यदि आपको पवित्र आत्मा इस प्रकार बोल रहा है वो पवित्र आत्मा नहीं है जिससे आप सोच रहे हैं, पवित्र आत्मा है। यदि किसी के अधीन रह करके सेवा करने से आपको कोई मना कर रहा है वो पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा संत पौलुस में था इसलिए संत पौलुस यरूशलेम जाकर के प्रेरितों के साथ सेवा किया, उनके अधीन रह करके सेवा किया। पेत्रुस को याकूब को अपना अधिकारी यरूशलेम के बिशप के रूप में संत पापा के रूप में उन्होंने स्वीकार किया और उनका कहना मान करके अपना जो तर्क था वो भी रखते हैं, लेकिन कलीसिया का जो निर्णय है उसके अनुसार चलने वाला व्यक्ति। तो संत पौलुस को आप अपने जीवन का उदाहरण बनाकर जो सुसमाचार का प्रचार आपको करना है, जो कलीसिया सिखाता है उसके अनुसार। हम लोग गलातियों का पत्र दिया 1, हमें मालूम है संत पौलुस पहले गलाती में जो कलीसिया बना रहे या कुरिंद में है, कहीं भी हो, संत पौलुस एक बार जाते हैं वहां पर लोगों को मसीह के विषय में, स्वर्ग राज्य के विषय में, मुक्ति के विषय में सिखा करके बपतिस्मा दे करके वहां पर अध्यक्षों को नियुक्त करते हैं। इसके बाद फिर पता चलता है अन्य कुछ गुट और आकर के घुस करके सिखाते हैं।
कलीसिया ने निर्णय किया अभी खतने की जरूरत नहीं, केवल बपतिस्मा दे दो। लेकिन कुछ गुट अंदर घुस करके सिखाना शुरू किया, नहीं, ईश्वर ने दिया हुआ यह आदेश है, खतना करना है, खतना करने वालों को ही केवल बपतिस्मा देगा, इस प्रकार सिखाना शुरू किया। संत पौलुस को इस बात को बहुत दुख लगता है, क्योंकि उन्होंने जो नींव डाल करके, जो कुछ सिखा करके, जो कलीसिया की जो शिक्षा है उसको सिखा करके आए, कुछ लोग उसको खराब करने के लिए प्रयत्न करता है। हम लोग गलातियों का पत्र अध्याय एक के अंदर, गलातियों का पत्र अध्याय एक वाक्य 11 और 12 में हम लोग पढ़ते हैं, भाइयों मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैंने जो सुसमाचार सुनाया वह मनुष्य रचित नहीं है। संत पौलुस कहते हैं मैं किसी मनुष्य ने किसी को सिखाया वो सुन करके मैं नहीं सिखाना शुरू किया, किसी के मुंह से जो बातें बता रहा था उसका कॉपी पेस्ट जो करने वाला जो स्वभाव वो मैंने नहीं किया, बल्कि मैंने किसी मनुष्य से उसे ना तो ग्रहण किया और ना सीखा, बल्कि उसे ईसा मसीह ने मुझ पर प्रकट किया। संत पौलुस जो कुछ सिखाया, जो कुछ घटना उनको मालूम है, उदाहरण के लिए कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11 के अंदर हम लोग पवित्र मिसा बलिदान के विषय में लिखा हुआ मिले, संत पौलुस ने यदि वो लिखा है तो ईसा मसीह ने उसे कहा क्या करना है क्या नहीं करना है, मिसा बलिदान को कब करना है, अर्पित करना है, ये सब देखिए। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11 वाक्य 17 से, वाक्य 17 से यहां पर ये लिखा हुआ है प्रभु भोज के विषय में। वहां पर संत पौलुस कहते हैं मैंने प्रभु से सुना, कहां पर वाक्य 23-27 में आकर के, नहीं 23 में आकर के हम लोग सुनते हैं, वहां पर संत पौलुस कहते हैं मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यही बताया कि जिस रात प्रभु ईसा मसीह पकड़ाए गए उन्होंने रटी लेकर के धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ा, वो जो कुछ हुआ है वो बातें मसीह से संत पौलुस ने सुना और वो बात सिखा रहा है। तो संत पौलुस को इतना दर्शन, इतना ज्ञान प्रज्ञा से ईश्वर स्वयं बता करके सिखा रहा था, इसके बावजूद भी संत पौलुस कलीसिया के अधीन रहा, पेत्रुस के अधीन रहा, याकूब के अधीन रहा, उनके कहने पर वो चल करके सुसमाचार का प्रचार किया। हमें भी यही मनोभाव अपनाना है, जिस धर्म प्रांत का है उस धर्म प्रांत से हमें जुड़े रहना, जिस पारिश का हमें उस पारिश प्रिस्ट के अधीन रहना, वो उस धर्म प्रांत के बिशप से मिलकर के हमें ये सेवा कार्य को करना है। हर चीज के लिए अनुमति मांगने की जरूरत नहीं, आप पहले सीख जाइए, इसके बाद आप अपनी इच्छा को प्रकट कीजिए, किसी पुरोहित के साथ मिलकर के सेवा कार्य की, बस इतना ही काफी है। आपकी सेवा कार्य किसी पुरोहित के साथ हो या पुरोहित के अनुमति के साथ हो, यह होना जरूरी है। इसको बहुत लोगों को तकलीफ हो रहा है, हम क्यों ऐसा अनुमति लें। यहां पर इससे बढ़कर के मैं एक उदाहरण क्यों दूं, एक और घटना मुझे याद आ रहा है। केरल में कुछ वर्ष पहले एक बहुत बड़ा पास्टर, बहुत बड़ा पास्टर है, उनका नाम है पास्टर सज्जित जोसेफ। वो ग्रेस कम्युनिटी बोल करके एक कम्युनिटी का डायरेक्टर है, पास्टर है, भयंकर चिन्ह चमत्कार करने वाला था, भयंकर चिन्ह चमत्कार, और उनका बहुत फ्लरिश्ड एक कम्युनिटी था, हजारों लोग
उनके वचनों को सुनते हैं, उनके प्रार्थना सभाओं में भाग लेते हैं। इतना अच्छा चल रहा था उस समय पर इनके मन में एक विचार आया, जो बाइबल है उस बाइबल को, प्रोटेस्टेंट बाइबल में एक तो हमें मालूम है किताबें कम है, ऑलरेडी कई किताबों को निकाल दिया है, अभी जो 66 किताब रखा हुआ है उन 66 किताबों से पूरे किताब को नहीं सिखा पा रहा। आपने ध्यान दिया होगा प्रोटेस्टेंट लोग कुछ भाग को नहीं सिखाते बिल्कुल। अभी ये सदित जोसफ पास्टर का भी यही कहना है, बाइबल को एक साइड से अच्छी तरह सिखा करके जाने वाला व्यक्ति है, लेकिन किसी किसी एरिया आते हैं तो वो छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो कैथोलिक कलीसिया जो सिखा रहा है उसका अनुरूप है, यदि उसको लोगों को सिखाना शुरू करेंगे उनको छोड़ना पड़ेगा। यही हुआ, वो ऐसे ऐसे भाग जैसे लूकस का सुसमाचार दिया है, एक हो माता मरियम के विषय में जो लिखा हुआ बातें कहीं पास्टर लोग नहीं सिखाते हैं, सिखाए तो भी उल्ट पुलट। कलीसिया की स्थापना, मैंने इससे पूर्व में भी एक क्लास में बताया है, गॉड चैनल को मैंने देखना तब बंद किया जब एक बहुत फेमस इंटरनेशनल एक पास्टर एक बार मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16:16-18 ये वाक्य का जो सिखा रहा था वो मुझे बहुत खराब लगा। 18 में आकर के ही समसी कहते हैं, पेत्रुस से कहते हैं, पेत्रुस तुम चट्टान हो, इस चट्टान पर मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा। ये जब बोला वो पास्टर सिखा रहा था, पेत्रुस को ईश्वर ने कहा, पेत्रुस तुम जरूर तुम्हारा नाम से तुम चट्टान है, लेकिन मैं कलीसिया बनाऊंगा इस चट्टान पर, अपनी ओर एक्शन करते हुए कहा इस चट्टान पर, अर्थात यीशु क्रिस्त अपने ऊपर कलीसिया बनाऊंगा, पेत्रुस के ऊपर नहीं, पेत्रुस को मुखिया नहीं बनाया, मसीह मुखिया। इसके बाद बोला है कोणे का पत्थर मसीह मुखिया है, और इस प्रकार बोल करके पेत्रुस को नीचे दिखाने के लिए और पेत्रुस के खिलाफ कई चीजें बोल करके संत पौलुस को बड़ा कर करके मैंने सुना क्लास। बहुत बड़ा एक पास्टर जब इस प्रकार का क्लास ले रहा है, हमने सोचा धीरे धीरे देखो कितना सफाई से वचन को यह सिखा रहा है, और ऐसे लोग बैठ करके वाह 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 भी कर रहा है, हल्लेलुया प्रेज द लॉर्ड भी कर रहा है, उनका सपोर्टर्स बहुत ज्यादा, बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि पेत्रुस के जो कलीसिया कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ वो सिखा रहा था। तब मैंने एक निर्णय किया, मैं चैनल ही नहीं देखूंगा इसके बाद कभी, गोट चैनल आज तक अनेकों वर्ष हो गए, शुरू शुरू में केवल वही चैनल चलता था, आजकल कैथोलिक चैनल बहुत शुरू हो गया, अगर देखना है तो हमारे पास अनेकों है, लेकिन हमें एक निर्णय करना है। ऐसा सिखाने वाले मेरे पास जितने भी जो डाउट्स पूछने वाले, अधिकतर डाउट पूछने वाले लोग इन पास्टरों को सुनता है, ब्रदर जी फलाने ने ऐसा बोला, नहीं तो एक वीडियो डाल करके ये देख लीजिए वो क्या बोल रहा है, ऐसा ऐसा बोल करके आप कंफ्यूजन में हो रहा है। और कई लोग हमारे चैनल के अंदर भी लिखा हुआ है, हम तो ऑलरेडी उस ग्रुप के साथ था, ब्रदर जी आपका एक क्लास सुन करके मैं लौट करके आया है, कई लोगों का एक गवाही मिल चुका है। तो हम जब सत्य जो कलीसिया जो सिखाता है, कैथोलिक कलीसिया जो सिखाता हूं, केवल मैं वही सिखा सकता हूं, मैं उससे बगैर बाया दाहिना ना हट सकता, इसलिए हर क्लास लेने के पहले मैं हर चीज को थोड़ा ऊपर नीचे पूरा स्टडी करता हूं, कई घंटों के स्टडी के बाद एक क्लास को डाल रहा हूं, ताकि इससे कोई गलती ना हो, जो समझा रहा है वो कैथोलिक कलीसिया जो सिखाया है वो होना चाहिए। इसलिए मेरे पास हमेशा कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ किताब रखा हूं हमेशा, और बाइबल भी रखा है, दोनों साइड में दोनों रखा हुआ है, ये सब पढ़ करके उसको जो सीखने के बाद उसके अनुसार सिखाता हूं। हमें यही तो करना है, कलीसिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा फ्री नहीं है,
चाहे संत पापा हो या एक छोटा सा इंसान ले पर्सन मेरा जैसे व्यक्ति हो, सब एक दूसरे के अधीन है। संत पापा कलीसिया का सबसे बड़ा व्यक्ति है, जैसे मैंने पिछले एक क्लास में बताया था, वो भी रोमन क्यूरिया से जुड़ा हुआ है, एक काउंसिल है, मान लो वहां से जो निर्णय होता है, जो बताता है, जो उपदेश देता है, उसी के अनुसार संत पापा कार्य करता है और संत पापा को कुछ करना है उनसे आलोचना करता है, अपना मर्जी से नहीं चलता है। कैथोलिक कलीसिया का एक सेटअप है, जैसे कार्डिनल से बिशप से, मैंने ये भी बोल करके दिया उनका ऑर्डिनेशन के लिए 3 बिशप की कम से कम होना है, अर्थात वो उस मंडली से जुड़ा हुआ है, बिशपों की मंडली बिशप कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ है, और हर पुरोहित अपने बिशप से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार सब लोग एक दूसरे से जुड़ करके, कलीसिया से जुड़ करके सेवा करते हैं, इसलिए इसको मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्राइस्ट हम लोग करते हैं। ये एक मिस्ट्री, एक रहस्य, उस रहस्यमय शरीर, आत्मिक शरीर से हम लोग जुड़ करके सेवा करते हैं। तो इस प्रकार रहना बहुत जरूरी है। यदि कोई ये कहता है मुझे आत्मा मिला है, आत्मा तो सबों को मिला है ना, जितने भी लोग बपतिस्मा ग्रहण किया, बपतिस्मा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, सबों को आत्मा मिला है। और कैथोलिक कलीसिया में इसके बाद एक दृढ़ीकरण संस्कार है, उसके द्वारा उन्हें दृढ़ीकरण संस्कार दे करके प्रभु का साक्षी बनने के लिए भेजा जाता है, बिशप भेज रहा है उन्हें साक्षी बनने के लिए, अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा अन्य लोगों के बीच में मसीह का साक्षी बनो। इसलिए पवित्र आत्मा का फलों से, वरदानों से भर करके उन्हें भेजता है, वो उसके लिए भेजने वाला कार्रवाई है, कंफर्मेशन दृढ़ीकरण संस्कार है। तो ये संस्कार मिलने वालों को सबको पवित्र आत्मा मिला है। यदि कोई बोलता है मुझे आत्मा मिल गया है इसलिए मुझे ये करना है, इसका मतलब कोई और दुष्ट आत्मा आ गया है। यदि आपको आत्मा मिला तब आप प्रचार के लिए जा रहा है, ऐसा बोल रहा है 100% है, उसमें कोई गलती है, उनका अज्ञानता है, क्योंकि उन्हें पवित्र आत्मा मिला, सबों को पवित्र आत्मा मिला है, तभी हम मसीही बनकर के रह सकता है। तो इसलिए बपतिस्मा प्राप्त सब लोग अपने जीवन के उदाहरण, बाइबल को सिखाना है, बाइबल को सीख लीजिए, बाइबल को सीख करके जाके सिखाना है। हम लोग यसकियल का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 1 से हम लोग पढ़ करके जाते हैं, यसकियल को बुलाता है, ईश्वर ने एक पुस्तक दिया उसको बोला खाओ, वाक्य 3 के अंदर पढ़ते हैं, यसकियल को किताब दिया, यसकियल ने उसको खाया, मुंह में मीठा लगा, पेट भरने के लिए बोला, इसके बाद जाकर के इसराइलियों को सुना। आपको कलीसिया से जुड़ करके कलीसिया क्या सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं, इसको सीखना है। लेकिन कई लोग उसका विरोध करते हुए बोलते हैं, अरे फादर लोग तो चर्च कैथोलिक फादर लोग कुछ नहीं सिखाते, उन लोग तो मुर्गी पालते हैं, सुअर पालते हैं, पता नहीं क्या क्या टिप्पणियां लिख रहे हैं, उन लोगों को तो स्कूल चलाना है, उनको एक चलना है। आज संसार में सबसे बड़ा कलीसिया कैथोलिक कलीसिया, 130 करोड़ से ज्यादा जो लैटिनी कलीसिया के विश्वासी लोग हैं, ये सब आकाश से वाणी के साथ टपक कर करके नहीं गिरा है। ऐसे पुरोहितों, धर्म बहनों, सुसमाचार प्रचारकों का दिन रात मेहनत कर उनके खून पसीना का फल है ये कलीसिया आज। कल के बारिश में गिरा तो ये जो टुकड़े कलीसिया है, उन लोग बोल रहे कैथोलिक कलीसिया कुछ नहीं कर रहा है। कैथोलिक कलीसिया कुछ नहीं किया होते आज पूरे दुनिया में मसीह लोग नहीं मिलते, ईसा मसीह के लिए अपना घर बार सब कुछ छोड़ करके प्रभु के लिए जीने वाले लोग केवल कैथोलिक कलीसिया में मिलेगा। केवल बाइबल उठा करके किसी को सुनाने से अनपढ़ लोगों को तुम लोग ये कर सकता है,
लेकिन कैथोलिक कलीसिया ने, विशेषकर हमें मालूम है, केरल में एक नियम बनाया था, एक चर्च बनना है उसके साथ एक स्कूल बना हुआ होना चाहिए, लोगों को साक्षर बनाना है पहले, इसके बाद तुम बाइबल सिखाओ, पहले एबीसीडी तो सिखाओ, अक्षर तो सिखाओ, इसके बाद उन्हें बाइबल सिखाओ। यहां बाइबल भी नहीं आते हैं, सिखा रहा है लेकर के घूम रहा है। यह तरीका कैथोलिक कलीसिया में मना है। इसलिए आपको बाइबल का नॉलेज है, आपको वरदान है, उसके अनुसार सेवा करने के लिए कलीसिया का द्वार खुला हुआ है। जैसे मेरे लिए इस कलीसिया में कोई मना नहीं है, खूब जितना समय मैं नहीं दे पा रहा है यहां वहां से बुलावा, ये लॉकडाउन में भी कई जगहों से बोल कर रखा, ब्रदर कब आ सकता है, हम समय नहीं दे पा रहा है या इस समय के कारण नहीं जा पा रहा है। हमारे लिए दरवाजा खुला हुआ है, कलीसिया से जुड़ करके रहिए। तब जैसे पेत्रुस और संत पौल हो, उन्होंने इस प्रकार घुस कर करके कलीसिया से जो अलग हट करके जो सेवा करने वालों के लिए जरूर मना किया है। आज भी कैथोलिक कलीसिया का स्टैंड यही है, आप शिक्षक बनना है, आप कलीसिया का सेवा करना है, प्रभु का सेवा करना है, आपको कलीसिया के साथ जुड़े रहना जरूरी है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु का सेवा कार्य करने के लिए प्रभु हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे। दोषारोपण से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हमें सीखना है और कलीसिया जो आधिकारिक रूप से सिखाते हैं उसको सीख कर करके दूसरों को सिखाना है, अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन का उदाहरण देना। निर्णय कीजिए, प्रभु हमें पवित्र आत्मा की शक्ति एवं सामर्थ्य से भरे। हमारे सब रोग, कमजोरियां, बीमारियां सब कुछ दूर हो जाएं, परिवार के सारे जरूरतें पूर्ति हो। जितने भी लोग ये वचन सुनते हैं, वचन सुनने के द्वारा आपको और आपके परिवार को आशीष मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।